find an acute angle theta where cos theta minus sin theta upon cos theta plus sin theta gives you 1 minus root 3 upon 1 plus square root 3. इसको सिंप्लीफाई करना है. एक्चुअल में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं. मैं पहले मेथड पे बात करता हूं. सॉल्यूशन, वी हैव cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 1 प्लस स्क्वायर रूट 3. इसको एक रूल है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, उससे डायरेक्टली सॉल्व करते हैं. तो अप्लाई, इससे आसान हो जाएगा थोड़ा. एक्चुअल में आप टेंथ लेवल पर इसको नहीं समझ पाएंगे. इसका मतलब क्या है इस रूल का? इस रूल का मतलब इस तरीके से आप समझिए कि जैसे एक फ्रैक्शन है x अपॉन y, दिस इज जस्ट इक्वल टू स्मॉल a अपॉन b. तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल कहा गया है कि इफ हम इस फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का सम करते हैं और न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर को डिफरेंस करते हैं, यानी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के सम और न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के डिफरेंस का रेशियो निकालते हैं, तो ये इक्वल होगा गिवन फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का सम और न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस. ठीक है, चाहे इसको आप इस तरीके से राइट कर लीजिए, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी. तो इस रूल का मतलब सिर्फ इतना है, इस रूल का मतलब सिर्फ इतना है कि दोनों फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर्स और डिनोमिनेटर का सम का रेशियो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के डिफरेंस का रेशियो इक्वल होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का सम और डिफरेंस के रेशियो के बराबर. तो वही चीज यहां पर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले फ्रैक्शन का देखिए न्यूमिनेटर कितना है, दिस न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर दैट इज कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आ जाएगा अपॉन न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर दैट इज कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर इसी हो जाएगी. आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट आसानी से आ जाएगा. देखिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू टू बचेगा यहां पर, वन माइनस रूट थ्री प्लस का हो जाएगा तो सिर्फ टू बचेगा इधर. यहां देखिए साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, न्यूमिनेटर में कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो आपका रिजल्ट आ जाएगा सॉरी यहां पर प्लस है ये आ जाएगा माइनस टू रूट थ्री. टू कॉस थीटा अपॉन माइनस टू साइन थीटा इक्वल टू वन अपॉन रूट थ्री विद निगेटिव साइन. रिजल्ट आ जाएगा आपका टेन थीटा इक्वल टू वन अपॉन रूट थ्री. दोनों तरफ से माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा. कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा सॉरी कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा हो जाएगा तो कॉट थीटा इक्वल टू कॉट 60 डिग्री और थीटा इक्वल टू 60 डिग्री. आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.